यस एवरी वन, वेरी गुड इवनिंग. लेट मी नो ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को. हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून. ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास के लिंक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमें फटाफट से आके ज्वाइन कर सके. ओके, यस जी, मैं बढ़िया हूँ, पहले से काफ़ी बेटर. आप लोग कैसे हैं? हाँ जी, मैं फ्राइडे को ही आई थिंक ये सेशन लेने वाली थी. फ्राइडे था ना उस दिन? हाँ, बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मुझे रिकवरी में 2-3 दिन लग गए, बट आई एम बैक विद दिस टॉपिक एज कमिटेड. जी मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? हाँ जी, ओके जी, लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग हमें आगे ज्वाइन कर सके, उसके बाद वी कैन स्टार्ट द सेशन. बिल्कुल जय श्री कृष्णा. बीच में ब्रेक हो जाता है, मैं तो स्टडी में ब्रेक लग जाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है. क्यों जी, ब्रेक कैसे भी लगे, आपको अपने रिवीजन में ब्रेक नहीं लगाना है. प्लांट फिजोलॉजी के टॉपिक, यस, इसके बाद नेक्स्ट प्लांट फिजोलॉजी हम करेंगे. हम भी इंसान है ना, मशीन नहीं है. मशीन भी कभी ना कभी बीच में बिगड़ती है, वैसे ही इंसान है. रेगुलर होते 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 अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें एक सब लगभग सभी लोग जो है उनको एक बार मतलब झटका लगता है ये ट्रांजिशन वाले टाइम में, मतलब गर्मी से ठंडी में जब ट्रांजिशन होता है ना मौसम का, उस टाइम पे कितना भी बचा के रहो कुछ ना कुछ लग ही जाता है, कोल्ड फीवर. ओके चलिए, एनीवेज मैं बस यही कहूँगी, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, जितना हो सके खुद को बचा के रहिए, ठीक है. ज्योति कन्वर जी, जो आप भरेंगी आई थिंक उसी के अकॉर्डिंग आएगा. ओके चलो तो शुरू करें आज का टॉपिक. अच्छा, आज का टॉपिक काफी ज्यादा मजेदार है. लॉर्ड का वोल्टेरा वैसे तो बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट मैं इसको जिस तरीके से पढ़ाती हूँ होपफुली आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिना किसी वैल्यू के पढ़ा जा सकता है, मतलब आपके हाथ में कोई भी वैल्यू ना दे, एक ब्लैंक पेज हो तो भी आप किसी को भी ये टॉपिक पढ़ा सकते हो. वैसा ही आपको समझ में आना चाहिए तब आप वैसे पढ़ा सकते हो. जी मैं एकदम बढ़िया हूँ. ओके चलो तो शुरू करें. लॉर्ड का वोल्टेरा, रेडी एवरीवन? चलिए,
चलिए क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा CSIR नेट का बैच आ रहा है जून 2024 के लिए। प्लेटफॉर्म इज वेदमी, जहाँ पे मेरे साथ जो बाकी मेरी टीम है वो भी आपके लिए रहेगी, और हम पूरे के पूरे CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं बाय गिविंग द प्रायोरिटी टू ईच एंड एवरी यूनिट एज वेल एज सेक्शन। और इसमें जो है आपको अलग अलग बेसिस पे सब्सक्रिप्शन का डिटेल देखने को मिल जाएगा। खाली आप CSIR ओनली भी ले सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल में जो डिस्काउंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लगभग 8000 का पड़ेगा। और CSIR प्लस ऑल यानी DBT ICMR की भी तैयारी करना चाहते हैं तो CSIR के साथ अगर उसका भी आप सब्सक्रिप्शन कंबाइन लेना चाहते हैं तो ये आपको लगभग जो है 11000 के करीब जो है ये पड़ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप जो है इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फिलहाल में चल रहा है, 8th जनवरी 2024 से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप में से जिसकी भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल के लिए चैनल पे इसका डिटेल वीडियो डाल दिया गया। ओके मैम, क्या सारे 13 यूनिट आपसे नहीं पढ़ सकते? पर प्रमिला जी, बाय द वे एग्जाम 6 महीने में होता है, राइट? और एक इंसान 13 यूनिट एट अ टाइम कैसे पढ़ाएगा? और 13 यूनिट खुद का भी पूरा रेडी रहना चाहिए। मेरा स्पेशलाइजेशन सारे सब्जेक्ट्स में नहीं है, स्पेशलाइजेशन बनाने के लिए थोड़ा उस पर काम करना पड़ता है। काम करने का मतलब है टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। चलो थैंक यू प्रमिला जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। एप्लीकेशन है क्या वेदमी का? लीलेश्वर, यस वेदमी जो है एक ऐप है। ठीक है, आप जो है ये प्ले स्टोर पे विजिट करके वेदमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। मैं और मेरी टीम, ठीक है, जिसमें कि बहुत से एजुकेटर आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग वीरेंद्र सिंह सर, हम सब मिलके जो है एज अ टीम आपको एक 2024 के कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन प्रोसीड। ओके चलो, सो लॉट का वोल्टेरा मॉडल है क्या देखा जाए? तो देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए इफ आई एम गिविंग यू अ कंडीशन, ठीक है, अब सबका ध्यान यहाँ पे। मान लीजिए मैं एक कंडीशन देती हूँ कि एक ग्रुप है ए और एक ग्रुप है बी। ए इज अ ए स्पीसीज एंड ये बी जो है ये बी स्पीसीज है। मैं ये कहती हूँ कि दोनों की दोनों जो है आपस में लड़ रहे हैं, मतलब इनमें जो है कॉम्पिटिशन हो रहा है, और मैंने आपको और कोई डिटेल नहीं दिया। अब मैं आपसे पूछती हूं कि बताइए ए और बी में से कौन जीतेगा, तो आप बोलोगे कि मैम आप और तो कुछ बताइए, मतलब किसका पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तभी हम कुछ बता पाएंगे, राइट? तो इसी तरीके से जैसे आप मुझसे कुछ वैल्यू मांग रहे हैं कि मैम आप बताइए कि इनमें से कौन स्ट्रांग है, किसका पॉपुलेशन ज्यादा है, कुछ हिस्ट्री बताइए इन दोनों स्पीसीज की, तब हम शायद आपको बता पाए कि किसके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के। इसी तरीके से एक मॉडल है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लॉट का वोल्टेरा मॉडल कहते हैं। जिस साइंटिस्ट ने ये मॉडल को समझाया था उनके नाम पे ही इसको रखा गया है, लॉट का वोल्टेरा मॉडल। लॉट का वोल्टेरा मॉडल क्या करता है, ये एक्चुअल में हमको मदद करता है आउटकम देने में, आउटकम फॉर कॉम्पिटिशन। कंपटीशन का आउटकम यानी रिजल्ट क्या निकलेगा, ये हमें लॉट का वोल्टेरा मॉडल से पता चल जाता है। मैं आपको बता दूं लॉट का वोल्टेरा मॉडल जो है ये कंपटीशन मॉडल भी है इसका एक, एंड प्रीडेटर प्रे मॉडल भी है। हम कंपटीशन मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये दो टाइप हैं। तो लॉट का वोल्टेरा को अगर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो वैल्यू की डिमांड होती है अगर वो वैल्यू दे देते हैं तो हमें जो है कंपटीशन का आउटकम मिल जाता है। अब सवाल आता है कि ऑर्गेनिज्म जो है कंपटीशन क्यों करता है, एनी आइडिया? ये जो कंपटीशन इंट्रैक्शन है, ऑर्गेनिज्म जो है कंपटीशन क्यों करते हैं बताइए, रीजन फॉर कंपटीशन, उसका रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि मेट के लिए लड़ा जा सकता है, स्पेस के लिए लड़ा जा सकता है, फूड के लिए लड़ाई हो सकती है, या फिर नॉर्मल स्ट्रगल हो सकता है जिसमें कि नीश इंक्लूडेड है, ठीक है,
डिफेंस में लड़ना हो सकता है, प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन हो सकता है, और भी बहुत से रीजन। मतलब कि अगर हम कंपटीशन की वजह जानना चाहें, एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है, ठीक है। एग्जैक्टली रिसोर्स में क्या जाते हैं, फूड, स्पेस, मेट सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजन आते हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो हमको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि ठीक है, कॉम्पिटिशन का हमें रिजल्ट चाहिए, इसके लिए हम लॉर्ड का वोल्टेरा मॉडल पढ़ते हैं। कंपटीशन क्यों होता है, मेट के लिए, स्पेस के लिए, फूड के लिए, स्ट्रगल की वजह से हो सकता है, डिफेंस के लिए हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है। अब हम कंपटीशन के बात करें, कंपटीशन के टाइप की बात करें, तो दो टाइप यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होता है? हाँ जी, इंट्रा स्पेसिफिक किसके बीच में होता है? विद इन, राइट, यानी दैट इज विद इन सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के बीच में ये कंपटीशन होता है। और इंटर यानी बिटवीन, दैट इज इट इज बिटवीन डिफरेंट पीसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टाइप, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोलूं, देर इज अ स्पीसीस एस, ठीक है। तो स्पीसीस एस का ही मेंबर जो है, दो मेंबर आपस में लड़ेंगे। एंड देर इज अ स्पीसीस एस, एस का एक एस मेंबर लड़ेगा और पी का जो है एक पी मेंबर लड़ेगा, इनके बीच की लड़ाई इंटर स्पेसिफिक हो जाएगी। हाँ जी, सभी को हेलो, हाय, नमस्ते, समझ में आ गया सभी को बेसिक चीजें। चलिए अगले अगला बात करते हैं ग्रोथ कर्व के बारे में। कितने टाइप का ग्रोथ कर्व मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में? कितने टाइप का ग्रोथ कर्व पढ़ाया था? तीन टाइप के ग्रोथ कर्व, आई मीन टू से ग्रोथ कर्व दो टाइप के पढ़े थे, टाइप ऑफ ग्रोथ हमने तीन टाइप के पढ़े थे। ग्रोथ कर्व में हमने जो है दो टाइप के ग्रोथ कर्व पढ़े थे, कौन से? एक था एस शेप और एक था जे शेप। एस शेप हमें किसके लिए मिला था? लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ। और हमें जे शेप किसके लिए मिला था? एक्सपोनेंशियल एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ना, एक्चुअल में जो हम क्योंकि ये लॉजिकल ग्रोथ बताता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो होता क्या है, जो लॉट का वोल्टेरा मॉडल, यानी लॉट का वोल्टेरा मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। लॉट का वोल्टेरा मॉडल जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ को यूज करता है। और इसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, किसी को याद है या सब लोग भूल गए? डीएन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, याद आ रहा है? ये है लॉजिस्टिक का फॉर्मूला, अगर आपको, अगर आप रिवाइज करके आए हैं तो। लॉट का वोल्टेरा मॉडल जो है ये लॉजिस्टिक मॉडल पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक मॉडल एक रियल मॉडल है जो रियलिटी को बताता है कि भाई आसपास सभी जगह जो रिसोर्सेस है ना वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। और इस चीज को बताने के लिए हम लॉजिस्टिक ग्रोथ का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉट का वोल्टेरा मॉडल लॉजिस्टिक ग्रोथ को इस्तेमाल करके ही रिजल्ट शो करता है। ओके, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो रहा होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है ये, और आपको पता है कि इसका जब एस शेप का ग्रोथ का वो बनता है तो कुछ ऐसा बनता है। जी सभी को हेलो, हाय, नमस्ते, दिस इज एस शेप। यहां तक सभी को क्लियर है? ये सब कुछ फ्लैशबैक में चला था, थोड़ा बेसिक्स में आपको याद दिला रही थी। अब हम मेन चीज पे एंट्री लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन।
इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे दो टाइप के स्पीसीज को कंसिडर करना है. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं दो टाइप की स्पीसीज, पीसेस वन पीसेस टू. ओके, अब देखिए क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है तो सीधी सी बात है कि जो कॉम्पिटिशन का इफेक्ट होगा वो कैसे होगा, दोनों स्पीसीज आपस में लड़ रही हैं तो देखिए कैसे होगा. ये हो गया स्पीसीज वन कुछ ऐसे, ठीक है, ये हो गया स्पीसीज टू कुछ ऐसे. अब मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं स्पीसीज वन की बात कर रही हूँ. स्पीसीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्पीसीज टू पे वो इस एरो से शो हो, तो स्पीसीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्पीसीज टू पे, इसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इसको बताने के लिए एक कॉम्पिटिशन को एफिशिएंट यूज करते हैं. कॉम्पिटिशन को एफिशिएंट जिसको कि हम अल्फा या बीटा से प्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर मुझे कहना है कि स्पीसीज वन का इफेक्ट स्पीसीज टू पे, स्पीसीज वन का इनहिबिटरी इफेक्ट स्पीसीज टू पे कितना हुआ, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, अल्फा जिसका इफेक्ट होगा उसको यहां लिखेंगे और वो जिस पे इफेक्ट करेगा उसे यहां लिखेंगे, यानी अल्फा टू वन. अल्फा टू वन कहने का मतलब क्या हो गया कि स्पीसीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑन स्पीसीज टू, क्योंकि अभी स्पीसीज वन स्पीसीज टू पे अपना इफेक्ट डाल रहा है. ये है क्या, ये है केस वन, केस वन. अब दूसरा देखिए केस टू, अगर मैं कहती हूँ स्पीसीज टू जो है स्पीसीज वन पे कॉम्पिटिटिव इफेक्ट डाल रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अल्फा वन टू, वन टू यानी स्पीसीज टू का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑन स्पीसीज वन, एंड दिस इज योर केस. ओके, ये जो अल्फा है इसको हम कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो कि एक तरीके से कॉम्पिटिशन के बारे में बताता है कि कौन किस पे अपना इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है. अच्छा, कोई कोई बुक क्या करती है ना, ये अल्फा टू वन ना लिख कर अल्फा वन टू ना लिख के अल्फा बीटा का इस्तेमाल करती है. तो किसी किसी बुक में अल्फा वन टू की जगह आपको अल्फा मिलेगा, अल्फा टू वन की जगह आपको बीटा मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ये वन और टू की जगह ए बी भी लिखा जा सकता है, पी क्यू भी लिखा जा सकता है. तो अगर अल्फाबेट या स्पीसीज का नाम चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग अल्फा के पास वन टू लगेगा या ए बी लगेगा या बी ए लगेगा या पी क्यू लगेगा, वो भी चेंज होगा. होपफुली आई एम गेटिंग दिस क्लियर टू एवरी वन. हाँ जी, क्लियर हो रहा है. आगे बढ़ा जाए. ओके, तो अल्फा टू वन क्या बता रहा है, अल्फा टू वन बता रहा है ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट है जो स्पीसीज वन का इनहिबिटरी इफेक्ट स्पीसीज टू पे दिखा रहा है, और अल्फा वन टू क्या दिखा रहा है, स्पीसीज टू का इनहिबिटरी इफेक्ट स्पीसीज वन पे दिखा रहा है. तो अगर मैं यहीं पे एक चीज आपसे पूछती हूँ कि लेट्स कंसिडर अल्फा केस वन, इफ अल्फा वन टू इट इज लेस देन वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ अल्फा वन टू इज लेस देन वन, इसका मतलब क्या होगा. नहीं एनएस, ऐसा नहीं होता अल्फा फॉर स्पीसीज वन. नहीं 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 नहीं, इट इज शोइंग यू द रिलेशन. अल्फा का मतलब होता है एक तरीके से कि टू का इफेक्ट वन पे कितना हुआ, दैट इज अल्फा. और बीटा का मतलब होता है कि फर्स्ट वाले जो स्पीसीज है उसका इफेक्ट सेकेंड वाले पे कितना हुआ. वन टू जब मेंशन होगा ना तभी उसकी जगह पे अल्फा बीटा यूज होगा, अगर ए बी सी डी वगैरह मेंशन होगा तो वो आपको एज इट इज दिया रहेगा क्वेश्चन. बताइए अगर मैं अल्फा वन टू को लेस देन वन करती हूं मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि टू का इफेक्ट वन पे लेस देन वन है,
कोई चीज लेस देन वन क्या बताती है? कि उसमें कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। मोर देन वन मतलब कि कुछ स्ट्रांग चीज दिखा रही है, लेस देन वन यानी कुछ लेस चीज दिखा रही है, राइट? यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पीसीज टू का, स्पीसीज टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन स्पीसीज वन इज लो कंपेयर टू स्पीसीज वन इफेक्ट ऑन इट्स ओन मेंबर। मतलब क्या हुआ कि टू का इफेक्ट वन पे जो आ रहा है वो लेस देन वन है, मतलब कि टू यहाँ पे वन के ऊपर बहुत स्ट्रांग इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। कहने का मतलब हो गया एक तरीके से कि टू जो है मे बी यहाँ पर एक वीक स्पीसीज है जिसकी वजह से वो वन पे बहुत भारी इफेक्ट नहीं डाल पाया, इसलिए टू का इनहिबिटरी इफेक्ट वन पे बहुत लो है। इसका मतलब हो गया स्पीसीज वन शायद स्ट्रांग है, और स्पीसीज वन स्ट्रांग है तो उनमें स्पीसीज वन के जो अपने मेंबर है यानी जो उनका इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा वो हाई होगा। तो इस केस में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इस केस में आपको इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन लो देखने को मिल रहा है कंपेयर टू इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इज दिस क्लियर? हाँ जी। तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कम है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज्यादा है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कौन से स्पीसीज में? स्पीसीज वन में। और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन किसके बीच में बात हो रही है? टू और वन के बीच में, ठीक है। चलो अब इसी का अगर मैं उल्टा पूछ लूं आपसे, सेकंड, इफ अल्फा वन टू इट इज ग्रेटर देन वन देन व्हाट विल बी द आंसर? इफ अल्फा वन टू इज ग्रेटर देन वन देन अल्फा वन टू इज ग्रेटर देन वन का मतलब क्या हो गया कि टू का इफेक्ट वन पे ग्रेटर देन वन आ रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। यानी स्पीसीज टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन स्पीसीज वन इज हाई कंपेयर टू स्पीसीज वन इफेक्ट ऑन इट्स ओन मेंबर। यानी इस केस में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज्यादा है किसके बीच में? टू और वन के बीच में, कंपेयर टू इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन किसके बीच में? स्पीसीज वन के बीच में, ठीक है। यस, तो टू वाले के सेकेंड वाले केस में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हाई है इंट्रा के कंपेरिजन में, और ऊपर वाले में इंटर लो था इंट्रा के कंपैरिजन में। होपफुली दिस इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं और घुमा फिरा के आने के चांसेस भी हैं फ्यूचर में। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, ओके, अच्छा चलो अगर मैं केस दूं, मुझे जरा बताइएगा कौन जीतेगा केस। अगर मैं ये कहती हूँ कि अल्फा वन टू इज ग्रेटर देन अल्फा टू वन तो क्या रिजल्ट होगा? सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा टीचिंग पाठशाला के। अल्फा वन टू इट इज ग्रेटर देन अल्फा टू वन, व्हाट विल बी द रिजल्ट? कौन जीतेगा? टू का इफेक्ट वन पे ज्यादा है कंपेयर टू वन का इफेक्ट टू पे। टू का इफेक्ट वन पे ज्यादा है, टू का इफेक्ट वन पे ज्यादा का मतलब हो गया स्पीसीज टू विल विन एंड स्पीसीज वन विल लूज। जी पूजा वर्मा जी कहाँ थी आप?
स्टार्टिंग के 10 मिनट में इंट्रा और इंटर ही समझाया है. इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है सेम स्पीसीज के बीच का कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का कॉम्पिटिशन. इसलिए बोलते हैं टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए. 3 बजे से क्लास चल रही है, क्लास के स्टार्टिंग में ही 10 मिनट में यही समझाया गया है. यस, स्पीसीज टू जीत जाएगा, स्पीसीज वन हार जाएगा. क्लियर? चलो रेडी. अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरा पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि इसके बाद के जितने काम आएंगे वो पेन और पेपर बेस्ड होंगे, और आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चीजें. ये जो मॉडल है ना, ये सुनने से नहीं आता है, साथ साथ में करते रहने से आएगा, क्योंकि इसके बाद के सारी चीजें न्यूमेरिकल बेस्ड है. ठीक है, और ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि आप मेरे साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ करेंगे भी. चलो, तो अब फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं. इक्वेशन आपको याद होगा, हमने कहा था लॉट का वोल्टेरा लॉजिस्टिक मॉडल पे बेस्ड है. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के. ठीक है, अगर मैं इसको स्पीसीज वन के लिए लिखना चाहूं, यानी केस वन, स्पीसीज वन इज ग्रोइंग अलोन, अकेला स्पीसीज वन ग्रो कर रहा है. ठीक है, तो उस वक्त पे फॉर्मूला क्या होगा, उस वक्त पे फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल जैसा ये लिखा गया है, जो कि है डी स्पीसीज वन है तो मैं एन वन कर देती हूं, डी एन वन बाई डी टी इक्वल्स टू आर वन एन वन के वन माइनस एन वन डिवाइडेड बाई के वन. देख लीजिए फॉर्मूला पूरा सेम है, बस मैंने वन वन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ वन के बारे में. ठीक है, स्पीसीज वन के बारे में स्पेसिफाई कर रही हूँ. अगर मैं ये कहती हूँ कि स्पीसीज टू भी अलोन ग्रो कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा. सेकेंड इक्वेशन यहाँ ले लेते हैं, स्पीसीज टू इज ग्रोइंग अलोन, तो सेम यही फॉर्मूला होगा, बस डी टू टू लग जाएगा. राइट, डी एन टू बाई डी टी इक्वल्स टू आर टू एन टू के टू माइनस एन टू डिवाइडेड बाई के टू. सभी को यहां तक सब कुछ क्लियर है, सभी को यहां तक क्लियर है उम्मीद करती हूं. अब आता है यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या है, देखिए, पहले तो स्पीसीज वन अकेला ग्रो कर रहा था, अब मैंने क्या किया है, अब मैं कह रही हूं कि स्पीसीज वन इज ग्रोइंग विथ स्पीसीज टू, यानी जो स्पीसीज वन अकेला ग्रो कर रहा था, अब वो अकेला ग्रो नहीं कर रहा है, अब वहां पे स्पीसीज टू की एंट्री हो गई है. अब स्पीसीज वन को स्पीसीज टू के साथ ग्रो करना पड़ेगा. अब उस ग्रोथ के कारण क्या होगा, क्योंकि स्पीसीज वन स्पीसीज टू इनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके मॉडिफाई होने के चांसेस बढ़ गए. मॉडिफाई तो होगा, लेकिन अब ये मॉडिफाई कैसे होगा ये देखना है. तो अब ध्यान से देखिए मॉडिफाई कैसे होगा, जो ऊपर लिखा है मैं उसको लिख रही हूं, यानी मैं सिंपल भाषा में कहना चाहती हूँ कि स्पीसीज टू के रहते हुए स्पीसीज वन के ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं. दैट इज डी एन वन बाई डी टी इक्वल्स टू आर वन एन वन के माइनस एन वन के वन माइनस एन वन डिवाइडेड बाई के वन. अब यहाँ पे एक वैल्यू इंट्रोड्यूस होगी, कौन सी वैल्यू ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है. राइट, कॉम्पिटिशन में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, हेंस हमने एक माइनस लगाया, क्योंकि जो स्पीसीज यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है वो इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, तो हमने एक माइनस इंट्रोड्यूस किया. अब कौन किस पे डालेगा, हम कह रहे हैं स्पीसीज टू वन पे डालेगा, तो हम जो कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट लेंगे वो इसी का लेंगे, दैट इज अल्फा वन टू, यानी टू इज मेकिंग इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन वन. राइट, और स्पीसीज टू जब स्पीसीज वन पे इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रहा है, तो स्पीसीज टू का क्या मतलब, कौन सा पार्ट स्पीसीज वन पे इफेक्ट डाल रहा है, स्पीसीज टू का पॉपुलेशन स्पीसीज वन की पॉपुलेशन पे इफेक्ट डाल रहा है. तो अगर एन वन स्पीसीज वन का पॉपुलेशन है, तो एन टू क्या हो जाएगा, स्पीसीज टू का पॉपुलेशन.
देख लीजिए हमारे पास ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, दैट इज डी एन वन बाई डी टी इक्वल्स टू आर वन एन वन के वन माइनस एन वन माइनस अल्फा वन टू इंटू एन टू डिवाइडेड बाई के वन। यस नहीं प्रमिला, क्योंकि टाइम एक ही लग रहा है, टाइम डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। जो वैल्यू जो है अलग होगी दोनों के लिए उसको हम वन टू लगा रहे हैं, जो सेम होगी वो एक मिनट इसके लिए भी तो एक मिनट इसके लिए भी, टाइम में कोई फर्क नहीं। हाँ जी क्लियर है? यस कौन है? केबीसी चैनल, बिल्कुल केबीसी चैनल। गाइज अपना रियल नाम से आइए, आप बताइए मैं आपसे केबीसी चैनल करके बात करूं? चलिए केबीसी चैनल जी, देखिए यहाँ पे आपने अल्फा वन टू के लिए बोला अल्फा, बिल्कुल वो भी आप लिख सकते थे, ठीक है। अल्फा वन टू के लिए अल्फा भी आप लिख सकते, इसको अल्फा एन टू भी लिखा जा सकता था, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, अल्फा वन टू को आप खाली अल्फा भी लिख सकते थे। ओके क्लियर? ओके नेक्स्ट, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला कैसे बना। अब स्पीसीज टू के लिए बनाते हैं। हमने कहा कि भाई स्पीसीज टू आराम से ग्रो कर रहा था, बट आराम कहाँ पे किसी को अच्छा लगता है। स्पीसीज टू इज नाउ ग्रोइंग ग्रोइंग विथ स्पीसीज वन। स्पीसीज टू जो है अब स्पीसीज वन के साथ ग्रो कर रहा है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे पलटेगा देखिए जरा सा। देखिए ये हो जाएगा ऊपर वाला फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा, डी एन टू बाई डी टी इक्वल्स टू आर टू एन टू के टू माइनस एन टू डिवाइडेड बाई के टू। अब जो वैल्यू अलग होगी वो कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे पहले से स्पीसीज टू ग्रो कर रहा था, स्पीसीज वन आके इंटरफेयर कर रहा है, मतलब स्पीसीज वन इज मेकिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्पीसीज टू। तो स्पीसीज वन बना रहा है मतलब कि ये हो गया अल्फा टू वन, वन इज मेकिंग इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन टू, राइट। क्या वन का कौन सा पार्ट कर रहा है, वन का पॉपुलेशन साइज नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो यहाँ पे हो गया अल्फा टू वन इंटू एन वन। देख लीजिए अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा अल्फा टू वन को आप बीटा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। गॉट इट? फटाफट देखिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बता देती हूं एन वन यहाँ पे स्पीसीज वन का पॉपुलेशन साइज है, आर वन यहाँ पे पॉपुलेशन वन का इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, ठीक है। डी एन वन बाई डी टी यहाँ पे चेंज इन पॉपुलेशन है फॉर स्पीसीज वन। नेक्स्ट एन टू यहाँ पे स्पीसीज टू का पॉपुलेशन साइज है, डी एन बाई डी एन टू बाई डी टी जो है यहाँ पे चेंज इन पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज टू है। आर टू यहाँ पे इंटेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है फॉर स्पीसीज टू। ग्रेट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, तो फॉर्मूले समझ में आने चाहिए। ओके अगला, अब बात करते हैं रिजल्ट की, कॉम्पिटिशन का रिजल्ट कैसे निकलते हैं। कॉम्पिटिशन रिजल्ट, कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट है वो दो तरीके से हमारे सामने आ सकता है, क्या कोई मुझे बताएगा वो दो तरीके कौन से हैं? जी कॉम्पिटिशन की वजह से दो आउटकम आ सकते हैं, एक है क्या को एग्जिस्टेंस, मतलब कि स्पीसीज एक साथ रह सकते हैं, और एक क्या है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, कॉम्पिटिटिव तरीके से एक को बाहर निकाल दे, भाग जा तू मेरे इलाके में नहीं देखने का, ठीक है इस टाइप का। अब को एग्जिस्टेंस कौन से केस में होता है, एनी आइडिया? स्पीसीज कभी भी को एग्जिस्ट कैसे कर पाता है, व्हाट यू थिंक? अगर दो स्पीसीज मान लीजिए लड़ रहे हैं, एक बहुत स्ट्रांग है, तो क्या वो दूसरे को आके को एग्जिस्ट करने देगा किसी भी हाल में? ना, वो तो उस एरिया से उसको भगा देगा। यानी इस केस में क्या होता है देखने को अगर मतलब मिले, तो हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि इस केस में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कम रहता है, इसलिए एक स्पीसीज दूसरे को उस एरिया से भगा नहीं पाता है। तो हम कहते हैं इस केस में इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है दैट इज लो कंपेयर टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन।
ठीक है, जब इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कम होता है कंपेयर टू इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, उस केस में ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करता है. को एग्जिस्ट यानी तुम भी मेरे साथ रहो, मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, कोई किसी को बाहर नहीं निकालेगा, मिल बांट के खाएंगे, इस टाइप का. लेकिन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कब होता है? जब कोई एक स्पीसीज दूसरे को उस इलाके में रहने ही ना दे, और जब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को नहीं रहने दे रही है, तो दोनों के बीच में यानी घमासान लड़ाई हो रही है, मतलब इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन यहाँ स्ट्रांग है. तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कब होता है? जब इंटर स्पेसिफिक जो कॉम्पिटिशन है इट इज ग्रेटर देन इंट्रा स्पेसिफिक. हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है. ओके, अब ये जो को एग्जिस्टेंस है, इसमें हमें रिजल्ट दो टाइप के मिल सकते हैं. दो टाइप के रिजल्ट क्या होंगे? एक होगा हमारे पास स्टेबल को एग्जिस्टेंस, स्टेबल को एग्जिस्टेंस, और एक होगा अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? स्टेबल कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकली तब देखा जाता है व्हेन बोथ स्पीसीज आर वीक, व्हेन बोथ स्पीसीज आर वीक, जब दोनों ही स्पीसीज कमजोर होती हैं, उस टाइम पे स्पीसीज जो है वो कोएग्जिस्ट कर जाती है, वो भी स्टेबल तरीके से, किसी पे कोई रिस्क नहीं होता है. और अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस कब देखा जाता है? व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर. मतलब क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? हाँ जी, इज इट फाइन? लेट मी नो. जी बता दीजिए. ओके कंटिन्यू, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? हाँ जी बता दीजिए जरा, कहाँ तक सुना था? कहाँ पे रुका था मुझे बता दीजिए, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी. वो था ओके. तो हमने बात किया था स्टेबल कोएग्जिस्टेंस, जब दोनों की दोनों स्पीसीज वीक होती है ना, तो चांसेस होता है कि वो लंबे टाइम तक एक ऐसे स्टेबल कोएग्जिस्टेंस में रहेंगी जहां पे कोई भी स्पीसीज दूसरे वाले को नहीं निकाल पाएगा. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं निकाल पाएगा. लेकिन अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस में क्या होता है, ये वाला केस नहीं होता. हम इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि अगर स्लाइटली पर्टर्बेशन भी हुआ ना, तब भी क्या चांसेस हैं कि एक स्पीसीज दूसरे को उस एरिया से हटा देगा. इस केस में क्या होता है, दोनों अब आज तो रह रहे हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद रहेंगे नहीं, ये हमको नहीं पता. क्योंकि हम इनको भी पता होता है कि अगर एक को भी ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट मिल गया तो वो दूसरे वाले को हटा देगा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ स्ट्रांग कॉम्पिटिटर हैं. ठीक है, तो अनस्टेबल का मीनिंग समझ में आ गया, स्टेबल का मीनिंग समझ में आ गया होगा. और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में दो केस है. ठीक है, पहला केस क्या है? सपोज इफ ए इज स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू बी तो क्या हो जाएगा? बी विल बी एलिमिनेटेड.
ठीक है, अगर ए स्ट्रांग है बी के कंपेयर में तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, या सेकेंड केस भी हो सकता है, बी इज स्ट्रांगर देन ए, उस केस में क्या हो जाएगा, ए विल बी एलिमिनेटेड। बताइए समझ में आ गया सभी को, कब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होगा, कब जो है स्टेबल को एग्जिस्टेंस होगा। यस आगे बढ़ा जाए, तो कोएग्जिस्ट का मतलब होता है एक साथ रहना, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब होता है कॉम्पिटिशन करके किसी एक को बाहर निकाल देना। हाँ जी ये लाइव क्लास ही है, बिल्कुल लाइव क्लास है, वरना हम आपका लाइव का लाइव जवाब कैसे देते। चलो अब आगे बढ़ा जाता है, अब आता है आपके पास ग्राफ, ठीक है ग्राफ आता है। चलो पहले कुछ साइंस देखते हैं, ठीक है कुछ रूल समझते हैं। ठीक है अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल में दोनों स्पीशीज स्ट्रांग होता है, तो दोनों को पता होता है कि वो भी स्ट्रांग है मैं भी स्ट्रांग हूं, इक्वली स्ट्रांग है, इसलिए आज दोनों मजबूरी में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है कल को अगर एक के पास भी ज्यादा पावर आ गई या ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई तो वो दूसरे वाले को एलिमिनेट कर देगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो रहे हैं आज एक साथ इसलिए कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन लंबे टाइम तक ऐसा हो जरूरी नहीं है, लंबे टाइम तक वो कोएग्जिस्ट कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए कोएग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है। ठीक है चलो अब रूल समझते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्पीसीज वन और टू लेकर चलते हैं। एग्जाम में आपको मैंने कहा हम स्पीसीज वन एंड टू लेकर चल रहे हैं, एग्जाम में वन की जगह ए दे सकता है, टू की जगह बी दे सकता है, एग्जाम में वन की जगह पी दे सकता है, इसको क्यू दे सकता है, ठीक है इसको एम दे सकता है, इसको एन दे सकता है, अल्फाबेटिकल भी दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी दे सकता है, वो आपको अपनी तरफ से हैंडल कर लेना होगा। मैं वन टू लेकर चल रही हूँ ताकि मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है ओके तो हमने स्पीसीज वन स्पीसीज टू को कंसिडर कर लिया, वी आर कंसिडरिंग द स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू। हम क्या करते हैं, हम स्पीसीज वन के लिए हॉरिजॉन्टल पाथ ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और स्पीसीज टू के लिए हम वर्टिकल लेके चल रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसे, मतलब मैंने स्पीसीज वन के लिए हॉरिजॉन्टल ले लिया, स्पीसीज टू के लिए वर्टिकल ले लिया, ये कहना चाहती हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज। ठीक है ओके अब देखिए स्पीसीज वन की कहानी लेके चलते हैं, क्योंकि स्पीसीज वन के लिए हमने कहा कि हम इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, इसीलिए अगर स्पीसीज वन इंक्रीज होती है तो इसके लिए लाइन ऐसी जाएगी, और अगर ये डिक्रीज होती है तो इसके लिए लाइन ऐसी जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन इंक्रीज के लिए फॉरवर्ड, डिक्रीज के लिए बैकवर्ड। ठीक है स्पीसीज टू क्योंकि ये वर्टिकल है, ठीक है वर्टिकल लाइन है, इसलिए स्पीसीज टू अगर इंक्रीज हो रही है तो एरो कैसे जाएगा, एरो जाएगा अपवर्ड, और अगर ये डिक्रीज हो रही है तो एरो कैसे जाएगा, एरो जाएगा बैक। प्रिंसी क्वेश्चन में दिया होता है कहाँ पे क्या एज्यूम करना है। ठीक है ये चीज समझ में आ गया होगा, फाइन। एक और चीज होती है, वो होती है क्या, आइसोक्लाइन। ये आइसोक्लाइन क्या होती है, आइसोक्लाइन एक्चुअल में एक लाइन है, एक ऐसी लाइन, जब आप एक स्पीसीज के लिए ये लाइन को कंसिडर करते हैं तो उस वक्त पे आप दूसरे स्पीसीज के पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम पे रखते हैं, यानी अगर आप स्पीसीज वन के लिए इस लाइन को कंसीडर करते हैं तो स्पीसीज टू के लिए आप इसको जो है इक्विलिब्रियम पे रखेंगे, और अगर स्पीसीज टू के लिए ये कंसीडर करते हैं तो स्पीसीज वन को वहां पे आपको जीरो या इक्विलिब्रियम पे कंसीडर करना पड़ेगा। ये एक लाइन है जो कि हम ड्रॉ करते हैं। ओके हमने ये भी पढ़ा था कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, तो स्पीसीज वन की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, K1 हो जाएगी, स्पीसीज टू की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। तो K1 हम अक्सर वहीं लिखते हैं जहां पे स्पीसीज वन के बारे में मेंशन होता है,
और के टू भी हम वही लिखते हैं जहां पे स्पीसीज टू के बारे में मेंशन। ये सब कुछ रूल है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ है वो इजी बन जाता है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो। यानी स्पीसीज वन की जगह पे मैं यहाँ पे एन वन लिखूंगी, स्पीसीज टू की जगह यहाँ पे मैं एन टू लिखूंगी। जहां पे एन वन आएगा उसी उसी लाइन पे के वन वाली वैल्यू आएगी, और जहां एन टू आएगा उसी लाइन पे के टू वाली वैल्यू आएगी। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अब ये जो आइसोक्लाइन है इसकी कहानी है। अगर कोई स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा, आइसोक्लाइन का दो एरिया होता है, एक होता है अबव एरिया, एक होता है बिलो एरिया। यानी मान लीजिए मैंने एक इस तरीके से आइसोक्लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एरिया होगा अबव, ये वाला होगा बिलो। अगर मैं कहती हूं इफ दिस इज अ आइसोक्लाइन देन, ये एक लाइन है, तो उसका अबव वाला हिस्सा ये होगा, बिलो वाला हिस्सा ये होगा। तो कोई भी स्पीसीज अपने आइसोक्लाइन के अबव क्या करती है, डिक्रीज करती है, और वो अपने आइसोक्लाइन के बिलो यानी आइसोक्लाइन के अंदर इंक्रीज करती है। कोई भी स्पीसीज अपने आइसोक्लाइन के अबव डिक्रीज होगी, बिलो इंक्रीज होगी। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ओके, यस, अब जरा सा हम फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक, फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लिखने का क्या तरीका है, देखिए मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रही हूं। ठीक है, मैं बताऊंगी ये फॉर्मूला कैसे आया। के वन अल्फा वन टू इट इज ग्रेटर देन के टू, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया के वन इज ग्रेटर देन के टू बाई अल्फा टू वन। ये मैंने एक रैंडम फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले से ना एक्चुअल में हमें ग्राफ में प्लॉट करना होता है। ये रैंडम फॉर्मूला कैसे है जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला हुआ है ये रीअरेंज करके आया है। ओरिजिनल फॉर्मूला कैसा है देखिए, ओरिजिनल फॉर्मूला अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे है, के वन इट इज ग्रेटर देन के टू बाई अल्फा वन टू, और ये हो जाएगा के वन अल्फा टू वन इट इज ग्रेटर देन के टू। रियल फॉर्मूला जो है ये है, देखा जाए तो इसी को रीअरेंज करके ऐसे लिखा गया था। अब ये रियल फॉर्मूला क्या बताता है ध्यान दीजिएगा, इसमें बता रहा है के वन, के वन यानी स्पीसीज वन का कैरिंग कैपेसिटी, इट इज ग्रेटर देन के टू बाई अल्फा टू वन, अल्फा वन टू, मतलब कि के टू इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज टू, अल्फा वन टू इज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ टू ऑन वन। तो K2 का कैरिंग कैपेसिटी और उसका इनहिबिटरी इफेक्ट 1 पे, ये दोनों वैल्यू छोटी है कंपेयर टू K1। तो मुझे बताएंगे कि अगर मैं खाली इसको कंसिडर करती हूं तो मुझे फिलहाल में कौन स्ट्रांग दिख रहा है, कौन जीतेगा, ऐसा मुझे कौन क्या कुछ पता चल रहा है इस वैल्यू से, खाली इस वैल्यू से क्या मुझे पता चल रहा है कि कौन जीत सकता है। दिमाग लगाइए जरा सा, तब तक मैं दूसरे वाले को देखती हूँ। दूसरे वाले में क्या है, K1 यानी स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी और 1 का इफेक्ट 2 पे, ये दोनों ही वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 2। यानी दोनों के केस में यहां पे भी 1 सुपीरियर दिख रहा है, यहां पे भी 1 सुपीरियर दिख रहा है, राइट। तो इस केस में क्या लगता है, अगर कोई आपको लॉटका वोल्टेरा क्या करता है, लॉटका वोल्टेरा में हमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ती है। वो वैल्यू हमें कहाँ मिलती है, वो वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिलती है। उस क्वेश्चन को देख के, उस क्वेश्चन में ये वाले फॉर्मूले होते हैं, इस फॉर्मूले को देख के हमें पता लगाना होता है कि कौन सा स्पीसीज जीतेगा। जैसे कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाऊं, तो अभी जो मैंने आपको समझाया,
अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन से सहमत हैं तो आपको भी लगेगा कि स्पीसीज वन दोनों ही जगह, यहाँ भी स्ट्रांग है यहाँ भी स्ट्रांग है, यानी समहाउ स्पीसीज वन को जीतना चाहिए। क्या सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि स्पीसीज वन को जीतना चाहिए? लेकिन देखिए, जैसे कि ये बात जो है हमने एक्सप्लेनेशन में की है, लॉटका वोल्टेरा में यही चीज हमें ग्राफिकली करना पड़ता है, और ग्राफ में ये वाला वैल्यू बैठाने में बहुत दिक्कत आएगी, हम अपना डिजायरेबल आउटकम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले को ऊपर वाले फॉर्मूले में बदल दिया जाता है। कैसे? K1 K2 जो वैल्यू है और इसके बगल में जो वैल्यू है उसको यहाँ पे अपॉन में लाके, सेम गोज विद दिस, अपॉन में लाके वैल्यू को हमने वैल्यू, इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। इसको हमने रीअरेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमें ग्राफ में पुट करने में आसानी होती है। तो मैं अब इसको ग्राफिकली पुट करके दिखाऊं। मैंने आपको ओरिजिन बता दिया कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई, यहाँ पे जितने अल्फाबेट है कोई भी अल्फाबेट अननोन नहीं है, सब अल्फाबेट के बारे में आपको पता है, K1 क्या है, K2 क्या है, α21 क्या है, α12 क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि लॉटका वोल्टेरा में आपने देखा हुआ ग्राफ आते हैं, तो ये ग्राफ कैसे आया, मैं वापस से उस फॉर्मूले को लिख रही हूँ जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है। ये रहा फॉर्मूला, K1 को हमने जीता था ना, K1 इज ग्रेटर देन K2 बाई α21 एंड K2 इज लेस देन K1 बाई α12। ये देखिए रीअरेंज वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करूंगी, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे सारा खेल है, ठीक है, सारा खेल यहीं पे है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे मिस कर गया, मतलब वो पूरा लॉटका वोल्टेरा मिस कर जाएगा। मैं एक ग्राफ बना रही हूँ जिसके पास अपना एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये रहा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये रहा वाई एक्सिस। अब क्या होगा, देखिए, जैसे मैंने कहा था स्पीसीज वन का वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे हम, तो यहाँ पे हो गया N1, और स्पीसीज टू को हम कहाँ लेंगे, वर्टिकल पे, ये हो गया N2। आपको याद होगा मैंने कहा था जहां N1 जाएगा वहीं K1 वाला वैल्यू जाएगा। K1 वाला वैल्यू का मतलब क्या हो गया, K1 वाला वैल्यू मतलब जहां पे K1 अकेला है वो वाला वैल्यू वो लेकर जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो K1 अकेला वाला वैल्यू कहाँ लेकर बैठा है, इधर लेकर बैठा है, ये वाला जो वैल्यू है ये K1 वाला वैल्यू अकेला है। देखिए यहाँ पे मुझे एक K1 अकेला मिल गया ना, बिना अपॉन या डिवाइड के रिलेशन के, तो मैं इस वाली वैल्यू को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके आऊंगी, तो ये जाएगा हॉरिजॉन्टल पे, और यहाँ K2 देखिए अकेला है, मैंने कहा था जहाँ N2 होगा वहीं K2 होगा, तो यहाँ K2 वाला वैल्यू अकेला है, यानी ये वाला वैल्यू जाएगा कहाँ पे, वर्टिकल पे, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि K1 बड़ा है K2 बाय α21 से, और अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो यहाँ 0 आता है, और 0 से जो वैल्यू जितनी दूर जाएगी वो बड़ी होती जाती है, तो K1 बड़ा है, तो K1 बड़ा है तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, ये हो गया K1, और उससे छोटा कौन है, K2 बाय α21, तो मैं इसको पीछे लिख देती हूँ कहीं, K2 बाय α21। देख लीजिए मैं कैसे कैसे पुट कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे K2 छोटा है कंपेयर टू K1 बाई α12, यानी K1 बाई α12 बड़ा है, बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी, 0 से जितनी दूर जाएगी वैल्यू वो बड़ी होगी, तो यहाँ पे देखिए मैं डाल देती हूँ K1 बाई α12, और क्योंकि K2 K1 बाई α12 से छोटा है तो वो कहीं पीछे आ जाएगा, दैट इज K2। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब ये वैल्यू प्लॉट करना इज द बिगेस्ट थिंग, ये वैल्यू सही प्लॉट हो गई, आपका आंसर सही आ जाता है। अब मैं बताती हूँ आइसोक्लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। आइसोक्लाइन K1 K1 वैल्यू को मिलाना पड़ता है, K2 K2 वैल्यू को मिलाना पड़ता है। तो देखिए, K1 K1 वैल्यू मतलब ये वाला K1 वाला वैल्यू इससे मिलेगा, ठीक है, दूसरा ये जो आइसोक्लाइन है किसका आइसोक्लाइन है, दिस इज अ आइसोक्लाइन ऑफ स्पीसीज 1। ओके, अब स्पीसीज 2 का आइसोक्लाइन बनाती हूँ मैं, स्पीसीज 2 का K2 मिला दीजिए आप, K2 वाली वैल्यू मिला दीजिए, ये रहा K2 वैल्यू, तो ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है दिस इज अ आइसोक्लाइन ऑफ स्पीसीज 2।
अब आप बोलोगे मैम ये इतना कुछ बना दिया अब तो रिजल्ट तो पता ही नहीं चल रहा, रिजल्ट यहाँ कैसे निकालेंगे? तो दो आइसोक्लाइन के बीच का कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए, दो आइसोक्लाइन के बीच का रैंडम पॉइंट मैंने ये ले लिया। इस पॉइंट पे मुझे देखना है स्टेटस ऑफ स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू। ये पॉइंट अगर आप ध्यान दें तो स्पीसीज वन के आइसोक्लाइन के अबव है या बिलो है। ये जो पॉइंट मैंने लगाया है दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है आइसोक्लाइन के अबव है या बिलो है, स्पीसीज वन के आइसोक्लाइन के अबव है या बिलो है। स्पीसीज वन का आइसोक्लाइन ये रेड वाला है, ठीक है, और ये वाली पॉइंट रेड वाले के अंदर है, मतलब ये बिलो है। और बिलो के केस में स्पीसीज डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? आइसोक्लाइन के बिलो स्पीसीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? दैट इज इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के लिए हमने स्पीसीज वन के लिए कौन सा एरो लिया था? ये वाला एरो लिया था, हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड एरो, राइट? ओके, अब यही पॉइंट स्पीसीज टू के आइसोक्लाइन के बाहर है या अंदर है, यानी अबव है या बिलो है, क्या लगता है? देखिए ध्यान से, अगर इस पॉइंट को देखती हूं तो ये स्पीसीज टू के आइसोक्लाइन के बाहर है यानी अबव है, और अबव के केस में क्या होता है? स्पीसीज डिक्रीज होती है, क्योंकि ये स्पीसीज K2 यानी N2 वाली स्पीसीज कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे है, तो ये डिक्रीज के लिए क्या होगा? डाउनवर्ड एरो आएगा, तो ये आ गया डाउनवर्ड एरो, राइट? अब ये तो डाउनवर्ड एरो आ गया हमारे पास, लेकिन रिजल्ट कहाँ निकला? तो इन दोनों के बीच से एक रिजल्टेंट एरो जाता है, रिजल्टेंट एरो ऐसा होता है, ऐसा। ये जो रिजल्टेंट एरो होता है ना, ये जिस एक्सेस की तरफ या जिस स्पीसीज की तरफ इशारा करता है वही स्पीसीज जीतती है। अब ध्यान दे अगर, तो ये जो एरो है ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है? एक्स एक्सिस K1 N1 इन सब की तरफ इशारा कर रहा है, यानी इस केस में कौन जीतेगा? स्पीसीज वन विल विन। ये है आपका आंसर, स्पीसीज वन जीत जाएगा। ये है ट्रेडिशनल तरीका लॉर्ड का वोल्टेरा को प्लॉट करने का, ठीक है। और स्पीसीज टू क्या हो जाएगा? स्पीसीज टू विल लूज। अब क्वेश्चन में क्या करेगा ना, क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा बताओ कौन जीतेगा। वैसे तो बहुत तरीका है, ये तो मैंने आपको ओरिजिनल तरीका बताया। इस तरीके से आप जाएंगे ना, आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो मैं बता रही हूँ वह है सब शॉर्टकट तरीका, लेकिन शॉर्टकट तरीके आप तभी अपनाइए जब आपका दिमाग शांत रहे, क्योंकि शॉर्टकट तरीके टाइम बचाते हैं, लेकिन दिमाग शांत ना रहे तो वो क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है? देखिए, दोनों ही तरफ ग्रेटर वाली वैल्यू में वन वाली वैल्यू है, देखिए दोनों तरफ ही वन वाली वैल्यू है, दैट इज इंडिकेशन की स्पीसीज वन जीतेगा। ये रहा पहला हिंट। दूसरा, जिस स्पीसीज की आइसोक्लाइन सबसे ऊपर होती है वो स्पीसीज जीतता है। इस केस में किसकी आइसोक्लाइन सबसे ऊपर है? स्पीसीज वन की आइसोक्लाइन ऊपर है, तो बिना रिजल्टेंट ड्रॉ किए भी आप फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। कनिष्का जी, हम वही तो बता रहे हैं, ठीक है। तीन तरीके हो गए पता करने के। अच्छा, ये तो तब की बात है जब कुछ वैल्यू नहीं दी गई है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, K1 का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, K2 का न्यूमेरिकल वैल्यू, α21 का न्यूमेरिकल वैल्यू, तब आपको सॉल्व करके निकालना पड़ता है। तब जो है ये जो मैंने ट्रिक सिखाई वो ट्रिक काम नहीं करेगी, तब आपको ये ऑथेंटिक मेथड पे आना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड पे आना पड़ेगा। इसलिए तीनों तरीका मैंने सिखा दिया, अब आपकी मर्जी है कौन से तरीके को अप्लाई किया। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल आए, दिस इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ट्राई दिस मेथड, ओरिजिनल मेथड अपनाइएगा ताकि गलती से भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ट्रिक से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो। ऐसे वाले आएंगे तो शायद नहीं गलत होगा, लेकिन न्यूमेरिकल पुट कर देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला मेथड छोड़ना नहीं, ये मेथड लंबा है लेकिन ये फुल प्रूफ मेथड है, मतलब आपको सक्सेस हर हाल में दिला देगा ये। गलती से भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आंसर गलत नहीं निकालोगे। अभी मैंने सिखाया है इसलिए टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप खुद से करते हो आप आधे घंटे में पूरा लॉर्ड का वोल्टेरा पेपर पे उतार सकते हो। दूसरा देखिए, दूसरा फॉर्मूला बनाती हूं। इसमें बताइए कौन जीतेगा?
पहला तरीका फॉर्मूला देख के समझ में आ जा रहा है, दोनों तरफ जो है के टू वाली वैल्यू बढ़ी है, देखिए यानी यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है कि स्पीसीज टू जीत जाएगा, राइट। अब अगर इसको हम आइसोक्लाइन तरीके से ड्रॉ करके देखें तो फटाफट से मैं आपके सामने ड्रॉ करती हूँ, आप भी पेपर पर ड्रॉ कीजिए, इसलिए मैंने कहा था पेपर लेके बैठे, जितनी देर में मैं ड्रॉ करूंगी उतनी देर में आप भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एन वन लिखा, यहाँ पे मैंने एन टू लिखा, ये वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू वर्टिकल पे आ जाएगी। यहाँ पे के वन छोटा है तो के वन को मैं कहीं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया के टू बाई अल्फा टू वन, ठीक है। यहाँ पर के टू बड़ा है तो के टू को यहाँ लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ के वन बाई अल्फा वन टू, ठीक है। अब आइसोक्लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, के टू का के टू पे मिला देते हैं, ये हो गया स्पीसीज टू का आइसोक्लाइन। नेक्स्ट ये रहा स्पीसीज वन का आइसोक्लाइन। अब देखिए दूसरा, पहला हिंट से हमने देख लिया कि स्पीसीज टू जीतेगा, दूसरा हिंट क्या था, आइसोक्लाइन को देखना, स्पीसीज टू का आइसोक्लाइन सबसे ऊपर है, अगेन सेकंड कंफर्मेशन स्पीसीज टू जीतेगा। अब ऑथेंटिक मेथड लेते हैं इसका, जो ट्रेडिशनल मेथड है, बीच में ले लेते हैं कि रैंडम पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है ये स्पीसीज टू के आइसोक्लाइन के अंदर है, मतलब अंदर होने का मतलब क्या हुआ, स्पीसीज टू के आइसोक्लाइन के अंदर होने का मतलब क्या होगा, स्पीसीज टू बढ़ेगा, तो ये हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये पॉइंट स्पीसीज वन के आइसोक्लाइन के बाहर है तो स्पीसीज वन डिक्रीज होगा, तो ये बैकवर्ड एरो। अब देखें तो हॉरिजन जो रिजल्टेंट एरो है वो किसकी तरफ जा रहा है, स्पीसीज टू की तरफ जा रहा है या के टू की तरफ जा रहा है, तो तीसरा कन्फर्मेशन की स्पीसीज टू जीतेगा। ईजी बताइए, चलो तीसरा फॉर्मूला, बताइए कौन जीतेगा, आप लोग बताएंगे ये। वो एग्जिस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। ये मैंने प्लॉट कर लिया, बताने की जरूरत नहीं कैसे प्लॉट किया, जैसे बाकी सब प्लॉट कर रही थी वैसे ही प्लॉट किया, ये देखे कि कौन सा ओरिजेंटल पे आएगा कौन सा वर्टिकल पे जाएगा। अब आइसोक्लाइन का सारा खेल है, ठीक है, सारा का सारा खेल आइसोक्लाइन का है। के वन से के वन को मैंने मिलाया तो ये आया के वन का मेरे पास आइसोक्लाइन, ये रहा। अब मेरे पास दूसरा आएगा आइसोक्लाइन के टू, के टू को मिलाती हूँ मैं, तो देखने को क्या मिल रहा है कि भाई ये तो आइसोक्लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बीच में से क्रॉस कर रहे हैं, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जैसे मैं रैंडमली इन दोनों के आइसोक्लाइन के बीच का पॉइंट ले रही थी, तो यहाँ पे मेरे पास दो एरिया बन गए, तो हेंस मुझे दोनों एरिया में एक रैंडम पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेती हूँ, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेती हूँ, इस दोनों पॉइंट पे मुझे स्टेटस देखना पड़ेगा, स्पीसीज वन का स्पीसीज टू का। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट पे देखती हूँ तो ये जो पॉइंट है वो स्पीसीज वन, रेड वाला जो है दिस इज फॉर स्पीसीज वन और ब्लू वाला फॉर स्पीसीज टू। ये जो पॉइंट है ऊपर वाला वो स्पीसीज वन के आइसोक्लाइन के बिलो है, तो स्पीसीज वन यहाँ पे क्या करेगा, स्पीसीज वन यहाँ इंक्रीज करेगा, लेकिन ये सेम पॉइंट स्पीसीज टू के आइसोक्लाइन के अबव है तो स्पीसीज टू डिक्रीज करेगा, यानी डाउनवर्ड एरो, इसका रिजल्टेंट एरो बीच में कहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट के लिए देखा जाए तो ये पॉइंट स्पीसीज वन के आइसोक्लाइन के बाहर है तो स्पीसीज वन डिक्रीज करेगा, तो ये आ गया बैकवर्ड एरो।
यही पॉइंट स्पीसीज टू के आइसोक्लाइन के अंदर है, तो यहाँ पे जो पॉइंट जाएगा यानी एरो जाएगा वो जाएगा अपवर्ड एरो, क्योंकि स्पीसीज टू यहाँ इंक्रीज होगा और जो रिजल्टेंट एरो होगा वो कहीं बीच में जाएगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, यानी ये एक दूसरे को निकाल नहीं पा रहे हैं एक एरिया से, और जब ये अप्रोच करते हैं तो यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है वो हो रहा है स्टेबल को एग्जिस्टेंस। तो दिस इज अ केस ऑफ स्टेबल को एग्जिस्टेंस। रमिला जी इंतजार कीजिए, वो भी करवा देंगे, पहले कंसेप्ट तो समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा लेते हैं, अच्छा इसका हिंट क्या है, इसका हिंट ये होता है कि जो इसके K1 K2 वाली वैल्यू होती है ना वो लोअर इंटरसेप्ट पे होती है, यानी छोटी होती है। दोनों फॉर्मूले जैसे मैंने कहा था ना कि एक ये तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ लॉन्ग मेथड करने का, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड होता है देखने का कि जो मेक श्योर जितने भी मेथड बता रही हूँ ना वो सिर्फ ग्राफिकल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगेन आई एम सेइंग, फिर बाद में क्वेश्चन गलत करके आप मेरे पास मत आइएगा कि मैम आपने कहा था आपने क्वेश्चन गलत करवा दिया। नो, जितने भी हिंट और ट्रिक्स दे रही हूं मैं, दिस इज ओनली फॉर ग्राफिकल क्वेश्चन, नॉट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये सब ट्रिक्स नहीं है, ओके। देखिए यहाँ पे जो K1 वाली वैल्यू है ये लोअर है, लोअर है यानी लो है, यहाँ K2 वाली वैल्यू भी लो है, देख रहे हैं लेस देन इन्हीं की तरफ है, यानी ये दोनों वैल्यू जो है लोअर इंटरसेप्ट यानी छोटे वाले पॉइंट पे आएंगे, और जब ऐसा होता है तो स्पीसीज स्टेबल तरीके से कोएग्जिस्ट करती है। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए कैसे पता करना है कि भाई दोनों वैल्यू K1 K2 वैल्यू दोनों छोटी पाई जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। सीधी सी बात है, इसको देखेंगे तो समझ में आएगा ये हॉरिजॉन्टल पे जाएगा, ये वाली वैल्यू वर्टिकल पे जाएगी, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कीजिए और ऐसे बना लीजिए, ठीक है। या एज इट इज मैंने लिख लिया, अब इसका आइसोक्लाइन ड्रॉ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ड्रॉ कर रहे होंगे। ये रहा स्पीसीज टू का आइसोक्लाइन, नेक्स्ट ये रहा स्पीसीज वन का आइसोक्लाइन। अगेन यहाँ भी सेम हमको डायग्राम मिला है, लेकिन यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में दो रैंडम पॉइंट ले लेंगे हम। इस रैंडम पॉइंट को लेने के बाद हमको समझ में आएगा क्या कि भाई पहले वाले पॉइंट पे अगर ये वाला देखा जाए तो ये स्पीसीज टू का आइसोक्लाइन है, ये रेड वाला स्पीसीज वन का आइसोक्लाइन है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं देखती हूँ तो स्पीसीज टू के लिए ये पॉइंट उसके आइसोक्लाइन के बिलो है, स्पीसीज टू के लिए बिलो है मतलब कि एक तरीके से स्पीसीज टू यहाँ पर बढ़ेगा तो अपवर्ड एरो जाएगा, और ये वाला पॉइंट स्पीसीज वन के आइसोक्लाइन के अबव है यानी स्पीसीज वन यहाँ डिक्रीज होगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो रिजल्टेंट एरो ऐसे जाएगा। इधर देखते हैं, अगर यहाँ पे भी मैं देखती हूँ तो ये पॉइंट स्पीसीज वन के आइसोक्लाइन के अंदर है तो ये इंक्रीज होगा, और ये पॉइंट स्पीसीज टू के आइसोक्लाइन के बाहर है तो वो डिक्रीज होगा और रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, जब रिजल्टेंट मूव अपार्ट, जब रिजल्टेंट एक दूसरे से दूर भागते हैं तो दैट इज अ इंडिकेशन ये एक अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस का केस है, क्लियर। अब आप ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, अब छोटे मेथड से कैसे पता चलेगा, देखिए जब अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों स्ट्रांग कॉम्पिटिटर हैं तभी ऐसा हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि दोनों की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो हायर इंटरसेप्ट पे होती है यानी बड़ी होती है दूसरे वैल्यू से। तो ये देखिए K1 भी बड़ा K2 भी, तो मैंने आपको शॉर्टकट हिंट भी दे दिए, ट्रेडिशनल मेथड भी दे दिया, अब आपकी मर्जी है आप इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ओके।
अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैम ये अचानक से इतना रैंडम फॉर्मूला लिख कैसे दे रही है, तो मैं ये भी बता देती हूँ आपको। रैंडम फॉर्मूला लिखने का ये है ट्रिक, ठीक है। फॉर्मूले तो आपको सोच समझ, फॉर्मूले को मैंने समझा दिया कि फॉर्मूला आया कैसे, अब मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ कि मैं कैसे फटाफट से फॉर्मूला लिख लेती हूँ। देखिए ट्रिक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपने हर जगह देखा होगा K1 के सामने K2 ही वैल्यू आती है, तो K1 को मैंने यहां रखा, K2 को मैंने यहां रखा, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। तो K1 को जब सामने एक एक करके दोनों को अकेला करना है, K1 को मैंने अकेला छोड़ दिया, K2 को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, K2 के नीचे क्या आ जाएगा, K2 को मैं रिलेशन में रखूंगी, तो K1 अकेला है तो उसके उसके अपोजिट में K2 रहेगा, K2 के नीचे क्या आ जाएगा अल्फा, ये 2 का 2 नीचे उतर के आ जाएगा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। सेम एक और भी फॉर्मूला इसी के साथ आता है, सेम वही काम कीजिए। अब क्या है, अब जिसको अकेला छोड़ा था उसको साथ में कर दीजिए और जिसको साथ में किया था उसको अकेला छोड़ दीजिए, तो अब K2 को अकेला छोड़ दिया, K1 को अकेला नहीं छोड़ेंगे अब, तो यहां नीचे आ जाएगा अल्फा, ये 1 का 1 नीचे आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यही पूरा केस है, ध्यान देंगे अगर आप, तो फॉर्मूला सिर्फ यही है, बस ग्रेटर देन लेस देन का रिलेशन बदल जा रहा है, पूरा जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, ये वाला ये मेन फॉर्मूला। अब इसी से चार फॉर्मूले बनते हैं, कौन कौन से मैं लिख के बता दे रही हूं, देखिए पहला फॉर्मूला है K1 इज ग्रेटर देन K2 बाई अल्फा टू वन एंड K1 बाई अल्फा वन टू इट इज ग्रेटर देन K2, ये रहा पहला फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूले से मैंने बना दिया, ठीक है। सेकेंड देखिए, अब मैंने K1 को लेस देन कर दिया, K2 को बड़ा कर दिया टू वन एंड K1 बाई अल्फा वन टू इट इज लेस देन K2, ठीक है। तीसरा मेन फॉर्मूले को ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए मेन फॉर्मूला पूरे जगह पे लिखा जा रहा है, ग्रेटर देन लेस देन का पूरा रिलेशन बदल जा रहा है। K1 को मैंने छोटा कर दिया, K2 बाई अल्फा टू वन को मैंने बड़ा कर दिया एंड यहाँ पे भी मैं K1 बाई अल्फा वन टू को बड़ा कर दूंगी, K2 को छोटा। नेक्स्ट फोर्थ, K1 को मैंने बड़ा कर दिया K2 बाई अल्फा टू वन से एंड K1 बाई अल्फा वन टू इज लेस देन K2। लो देखिए मेन फॉर्मूला ही यूज हुआ लेकिन चार केस हो गया। अब चारों केस का अगर मुझे रिजल्ट बताना हो फटाफट से रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे पहले वाले का रिजल्ट क्या है, यहाँ पे हर हाल में K1 बड़ा है, K1 बड़ा है, यानी यहाँ पे क्या होगा स्पीसीज वन विन, लीजिए आपका पूरा लॉट का वोल्टेज हलवा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए K2 बड़ा है, K2 बड़ा है, स्पीसीज टू विल विन। यहाँ देखिए K1 छोटा है, K2 भी छोटा है, मतलब लोअर इंटरसेक्ट पे आएगा, हेंस स्टेबल कोएग्जिस्टेंस, स्टेबल कोएग्जिस्ट। यहाँ देखिए K1 बड़ा है, K2 भी बड़ा है, हेंस हायर इंटरसेक्ट पे दोनों के दोनों आएंगे, यानी ये हो गया अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। अब आपको क्या चाहिए, हर तरीके से तोड़ मरोड़ के हमने बना दिया, यहाँ पे फॉर्मूला भी बन गया, ग्राफिकली भी हमने पढ़ लिया इसको। प्रार्थना अभी मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वेदमी पे भी मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी, ऐसे ही लैंग्वेज यूज किया जाएगा जिसको हम हिंग्लिश कहते हैं, टर्म्स सारे इंग्लिश में यूज होते हैं, समझाया उनको हिंदी में जाता है, जैसे मैं अभी समझा रही हूँ सेम टू सेम वही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर है सभी को? ओके चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाती हूँ करके। अच्छा ये देख सकते हैं आप न्यूमेरिकल, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है, अब इसमें क्या होता है देखिए, जो अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है ना, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपका सारा खेल बदल देती है। सिर्फ K1 K2 की वैल्यू को नहीं देखना है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं K1 K2 की वैल्यू देख लेते हैं, अरे ये तो इतना दिया हुआ है मतलब ये स्पीसीज जीतेगा, नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू भी मैटर करती है। जैसे यहाँ पे बोला है
कि K1 की वैल्यू है 200, ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 1, K2 की वैल्यू है 100, बीटा की वैल्यू है 1। चलिए यहाँ पे थोड़ा प्रेडिक्टेबल है रिजल्ट, लेकिन अगर यही बीटा या अल्फा की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती तो अब ये क्या हो जाता, एक ऐसा स्टेटस हो जाता जिसमें कि आपको समहाउ ग्राफी नॉट पूरा का पूरा ग्राफिकली आपको फॉर्मूले में जाना ही पड़ता। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये अल्फा है तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है अल्फा 1 2, राइट, और बीटा होता है अल्फा 2 1। इसलिए मुझे अल्फा 1 2 अल्फा 2 1 ज्यादा ईजी लगता है कंपेयर टू बीटा, इसलिए जब भी मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिलती है मैं उसको 1 2 या 2 1 में चेंज कर लेती हूँ। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मैं K1 को एक बार अकेला छोड़ दूंगी, बीच का ही हमको नहीं पता है, बीच का रिलेशन पता चल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। K2 बाई अल्फा 2 1, एक ये आ जाएगा और एक हो जाएगा K2 K1 बाई अल्फा 1 2। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, K1 कितना है यहाँ पे, K1 है यहाँ पे 200, ठीक है, यहाँ K2 है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1, दैट इज 1। अब ये दैट इज वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि भाई यही बड़ा है। K2 में देख लेते हैं, K2 का वैल्यू है 100, K1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, K1 का वैल्यू हो गया 200, अल्फा 1 2 का भी वैल्यू 1 ही है, कुछ खास असर नहीं पड़ा, ये हो गया। फिर तो आपके पास मेन फॉर्मूला क्या आ गया, मेन फॉर्मूला ये आ गया, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों तरफ K1 की वैल्यू बढ़ी है, ऐसे केस में क्या होगा, स्पीसीज 1 जीतेगा। इजी, अच्छा यही वैल्यू क्या होती, मान लीजिए यहाँ पे जो अल्फा 1 2 है, मतलब कि यहाँ पर लेट्स कंसीडर यहाँ की जो अल्फा की वैल्यू होती, वो अल्फा की वैल्यू 1.8 होती, तब मुझे बताइए रिजल्ट क्या आ जाता। अगर अल्फा की वैल्यू 1.8 होती तब क्या होता, यानी नया वाला, नया जो क्वेश्चन दिया है उसको अगर मैं देखूं तो क्या होगा, पहला वाला फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ये तो वही है क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं है, एंड ये वाला वैल्यू बदल जाएगा। K2 है यहाँ पे 100, ये हमको नहीं पता कौन सा रिलेशन आएगा, ये है 200 डिवाइडेड बाई 1.8, 200 डिवाइडेड बाई 1.8 कितना आएगा, 1.1 something, राइट, अभी भी स्पीसीज 1 ही जीत रहा है। अब अगर इस 1.8 को हम 2.8 कर देते तब हमारा वैल्यू अलग आ जाता, राइट, 200 डिवाइडेड बाय 2.8। अगर मैं सेकंड कंसिडरेशन लेट अल्फा बी 2.8, ऐसे केस में क्या होता, ऐसे केस में हमको वैल्यू अलग मिल जाती, ठीक है। एनीवेज, तो ये था पहला कंसिडरेशन हमने कर लिया। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मैं उस टाइम से क्या कह रही थी कि आपको क्यों ट्रिक्स जो हैं, ट्रिक्स आप तब तक यूज नहीं करोगे जब तक आप न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व नहीं करोगे। कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू को जब तक इस फॉर्मूले में आप लेकर नहीं आओगे तब तक आप ट्रिक ना ही यूज करो तो अच्छा होता, ताकि आपसे कभी भी क्वेश्चन गलती ना हो, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन कहाँ लगेगा ये अननोन होता है, ये हमें सॉल्व करके तब निकालना पड़ता है। हाँ जी, क्लियर हो रही है ये बातें, समझ में आ गया सभी को, तो अब CSI नेट के कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं फटाफट से। चलो पहला क्वेश्चन, चलिए दैट्स ग्रेट, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोग लाइक कर सकते हैं।
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे कोई क्लास मिस ना हो। ओके चलो, बहुत से बच्चे कह रहे हैं वन, चलिए देखते हैं क्या बोला है। इन अ लॉट का वोल्टेरा टू स्पीसीज कॉम्पिटिशन मॉडल, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला देकर रखा है, बोला है एन रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन साइज, आर इज द ग्रोथ रेट, ए इज द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज वन एंड टू, द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट अल्फा वन टू इट इज लेस देन, क्या बोला है अल्फा वन टू इट इज लेस देन वन, मतलब क्या हो गया, टू का इफेक्ट इनहिबिटरी इफेक्ट वन पे बहुत वीक है कंपेयर टू स्पीसीज वन का इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव इफेक्ट एक दूसरे पे, राइट right? पहला है इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज टू हैव लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज वन, यस, देन द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज वन ऑन अदर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, एग्जैक्टली पहला ही स्टेटमेंट देखिए ट्रू हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से मे बी वी आर ट्राइंग फॉर प्लांट फिजोलॉजी, ठीक है, कल से मैं प्लांट फिजोलॉजी शुरू करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है प्लांट फिजोलॉजी का, मे बी जस्ट फोटोस सेंसरी फोटो बायोलॉजी से वी कैन स्टार्ट। अनिश जी हमारी पूरी की पूरी टीम है, ठीक है, पांच एजुकेटर्स की, वो मिलके आपका टोटल 30 मिनट्स कवर कराती हैं। एक हम बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी हो क्या हुआ, चलो देखते हैं जिन बच्चों ने आंसर दिया है उन्होंने थ्री कहा है, लेट्स सी। बोला है टू स्पीसीज एम एन ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट गिवन बिलो इन अ स्टेट स्पेस ग्राफ इन विच द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज एम, यहाँ पे देखिए एम और एन नाम से स्पीसीज दिया है, ठीक है, ऑन अ एक्स एक्सिस एन अबंडेंट ऑफ स्पीसीज एन इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, यानी एम को इन्होंने एक्स एक्सिस पे दे दिया यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दे दिया और एन को इन्होंने वर्टिकल एक्सिस पे दे दिया, सिंपल। यहाँ पे बता के रखा है किसको क्या मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। बोला है बेस्ड ऑन द अबव प्लॉट सम डिडक्शन आर मेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है,
पहला एट पॉइंट ए पॉइंट ये रहा, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पीसीज एम और एन इंक्रीज करेगा, ठीक है, एम यहां पर है एन यहां पर है, जैसे कि ग्राफ क्वेश्चन में मेंशन है, बोला है ए पॉइंट पे दोनों इंक्रीज करेगा। देखिए ए पॉइंट जो है स्पीसीज एन के आइसोक्लाइन के भी अंदर है, एम के भी आइसोक्लाइन के अंदर है, और कोई भी स्पीसीज अपने आइसोक्लाइन के बिलो यानी अंदर क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो बोला है दोनों इंक्रीज करिए, यस दोनों इंक्रीज कर रही है, ट्रू। नेक्स्ट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे पॉपुलेशन ऑफ एम इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन ऑफ एम, एम जो है एम का आइसोक्लाइन ये डैश वाला है, और सॉरी एम का आइसोक्लाइन ये सॉलिड वाला है और बी इसके आइसोक्लाइन के बिलो है, तो एम इंक्रीज करेगा, ठीक है, वाइल एन डिक्रीजेस, यस एन का आइसोक्लाइन ये डैश वाला है और एन के आइसोक्लाइन के बाहर है बी पॉइंट, और कोई भी स्पीसीज अपने आइसोक्लाइन के अबव क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन इंक्रीजेस वाइल द एम डिक्रीजेस, ये बिना देखे ही आप गलत कर दो, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का ही उल्टा बोला गया है, तो जब अगर आप सेकेंड वाले को यस बोल रहे हो तो आप थर्ड वाले को नो बोलोगे, क्योंकि पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अल्टीमेटली स्पीसीज एन विल बी एलिमिनेटेड, बोला जा रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एन जो है एलिमिनेट हो जाएगा, एन एलिमिनेट हो जाएगा, देखिए जरा यहाँ पे एम का, ओके एम का वैल्यू है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एम का वैल्यू है, मतलब ये वाला आइसोक्लाइन जो है किसका है, फॉर स्पीसीज एम, जिसका आइसोक्लाइन सबसे ऊपर होता है वो जीतता है, यहाँ पे एम का आइसोक्लाइन ऊपर है यानी एम जीतेगा, यानी कौन एलिमिनेट होगा, एन एलिमिनेट होगा, तो बोल रहा है एन एलिमिनेट होगा, तो यस दिस इज ट्रू, तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड, इजी। चलो अगला सवाल, चलो बच्चे कह रहे हैं टू, ठीक ठीक है, देखते हैं, अच्छा दो स्पीसीज हैं, ठीक है चलो यहाँ पे हम लेते हैं, अच्छा के ए करके रखा, के ए इधर कर दो, यहाँ पे के बी कर दो, के बी बाई अल्फा बी ए, यहाँ पे हमको वैल्यू पता नहीं है, यहाँ के बी कर दो, के ए बाई अल्फा ए बी, ओके अल्फा वन जो है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो के ए बाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा ए बी, ये हो जाएगा अल्फा बी ए, ये देखें के ए हो गया आपके पास 150 और के बी हो गया आपके पास 200, बी ए हो गया 1.3, के बी का वैल्यू हो गया आपके पास 100, के ए हो गया 150, ए बी हो गया 1, ठीक है, तो ये तो साफ साफ सा पता चल रहा है कि यहाँ बी वाला बड़ा है, यहाँ पे 1.3 कर देंगे तो भी ये समथिंग
111 आ जाएगा, राइट, 150 ऐसे आ जाएगा, मतलब कि अच्छा यहाँ कुछ कट, नहीं सॉरी, वेट अ मिनट, वन फिफ्टी थ्री आएगा नॉट वन वन। तो अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। यहाँ बी वाला वैल्यू बढ़ा, यहाँ भी बी वाला वैल्यू बढ़ा, हेंस स्पीसीज बी विल विन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। यस 153, मैंने 111 ले लिया था तो इसलिए गड़बड़ हो गया था, क्लियर। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या आया, फाइनल फार्मूला आप देख सकते हैं ये वाला आया, दोनों में बी वाला वैल्यू बढ़ा है, हेंस बी जीत जाएगा। चलो अगला सवाल, चलो देखते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम ज्योति चौहान, ज्योति 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 टू दी पावर स्क्वायर हैं, आज क्लास में दो दो ज्योति, एक क्लास ले रही है और एक क्लास कर रही है। ओके चलो बच्चे कह रहे हैं वन, चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। डायग्राम रिप्रेजेंट्स कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्पीसीज वन एंड टू अकॉर्डिंग टू द लॉटका वोल्टेरा मॉडल ऑफ कॉम्पिटिशन। ओके आपको आउटकम प्रेडिक्ट करना है, क्या आउटकम प्रेडिक्ट करना है, यहाँ पे देखिए। ओके के टू यहाँ हायर इंटरसेट पे है, के वन यहाँ पे हायर इंटरसेट पे, यानी इतना तो श्योर है कि ये क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस। एक चीज पता चल गया, अभी उन्होंने फॉर्मूला भी पूछा है, यहाँ स्टेबल को एग्जिस्टेंस का है, यहाँ स्टेबल को एग्जिस्टेंस का है, ये हो गया कैंसल आउट। अनस्टेबल पे आते हैं, अब फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला हम यहीं से बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये के वन बड़ा है तो ये ऐसे फॉर्मूला बनेगा, और ये वाला के टू बड़ा ही ऐसे बनेगा, यानी ये फॉर्मूला क्या आएगा, ये आ जाएगा के वन इज ग्रेटर देन के टू बाई बीटा एंड के टू इज ग्रेटर देन के वन बाई अल्फा, ये फॉर्मूला आएगा। देख लेते हैं, देखिए के वन इज ग्रेटर देन के टू बाई बीटा, के वन इज ग्रेटर देन के टू बाई बीटा, ओके, एंड के टू इज ग्रेटर देन के वन बाई अल्फा, यस, हमारा भी यही आंसर वन हो गया। ओके चलो आज का आखिरी सवाल, बहुत लंबा क्लास चल गया आज तो। पुष्पा जी शुक्रिया,
यस मैम, पता भी नहीं चला टाइम का। शमा जी आपको कैसे पता चलेगा, बोल तो हम रहे हैं ना, हमको पता चलेगा। ओके चलो देखते हैं आंसर। बच्चे कह रहे हैं टू। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉटका वोल्टेरा कॉम्पिटिशन मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अलाउ द को एग्जिस्टेंस, कौन सा कंडीशन को एग्जिस्टेंस को अलाउ करता है। बोला है बोथ स्पीसीज आर इक्वली कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग ईच अदर। नो, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑफ ईच स्पीसीज, इंट्रा स्पेसिफिक ज्यादा होता है कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक। यस, जब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो लड़ाई का जो इंटेंसिटी है वो कम रहेगा तभी वो को एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। इंट्रा विल बी लेस देन कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक, तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे जो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होगा। गलत, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया हमारा, टू हो गया। ओके चलो, तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है, थोड़ी देर में 2 घंटा हो जाएगा। तो कल से हम मोस्ट प्रोबेबली प्लांट का सेशन शुरू करेंगे। मैं इस क्लास के बाद प्लान करती हूँ और कोशिश करती हूँ 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको मैं अपडेट दे दूँ अबाउट कि नेक्स्ट इस वीक में और क्या क्या चलने वाला है रिगार्डिंग द प्लांट। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा कैलकुलेशन करूँगी, बैठूँगी कौन कौन से टॉपिक को करवाया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको मैं प्लान करती हूँ एंड देन आपको रात तक मोस्ट प्रोबेबली मैं लिंक शेयर कर दूँगी क्लास का। ओके चलिए। अच्छा, तो ये जो आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, ये कैसा टॉपिक है, बिना रिवाइज किए पूरा सन्नाटा फैल जाएगा। ठीक है, सुनने बट्टे सन्नाटा वाला काम हो जाएगा। तो इसको वापस, अगर ज़रूरत पड़े वापस से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्लास एंड होते ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, ये टॉपिक बहुत ईजी है अगर समझ में आ गया तो, वरना समझ में आने के लिए ये रिपीटेटिव आप कह सकते हो इनकाउंटर लेता है, बार बार सुनना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। एक बार समझ में आ गया, अब खाली पेन पेपर लेकर भी आपको मैंने दिखा दिया कि मैं फॉर्मूला भी कैसे बना रही हूँ ट्रिक के थ्रू, वो ट्रिक अप्लाई कीजिए, फटाफट से फॉर्मूले भी बन जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस फिजोलॉजी तो इतने कम टाइम में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बट लेट मी सी। स्ट्रेस फिजोलॉजी एक बहुत लंबा चैप्टर है, मैं जनरली 6 से 7 घंटा लेती हूँ उसको समझाने में, तो देखते हैं। संदीप, मैं कोशिश कर रही हूँ कि PYQ का अलग से जो है सेशन जाए। अच्छा, जो प्रैक्टिस सेशन था ना गाइज, प्रैक्टिस सेशन आई थिंक हम लाइव नहीं कर पाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसका रिकॉर्डेड सेशन ही आपको प्रोवाइड कर दूँ। एक सेशन जाएगा खाली क्वेश्चन का और एक जाएगा उसके साथ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये मैंने प्लान किया है कि प्रैक्टिस सेशन हमें लाइव, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में हम इन्वॉल्व होंगे तो हमारा ये वाला रिवीजन रह जाएगा, और दिन में मैं एक ही क्लास के लिए, मतलब मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी है, तो प्रैक्टिस सेशन मोस्ट प्रॉब्ली मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करने वाली हूँ। कुछ ही दिनों में मैं इसका अपडेट दे दूंगी बैक टू बैक। ठीक है, क्योंकि हमें करने से मतलब है, लाइफ के चक्कर में ना प्लानिंग नहीं हो पा रही है, शेड्यूल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको शेड्यूल करूंगी तो फिर मुझे रिवीजन रोकना पड़ेगा, जो कि मैं अभी चाहती नहीं हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रैक्टिस सेशन है ना वो 5-5 करके क्वेश्चन, मैं पार्ट बी के क्वेश्चन रेडी नहीं कर रही हूँ, ओनली पार्ट सी के क्वेश्चन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पार्ट बी में मैक्सिमम जो है आपके मेमोरी बेस्ड पोर्शन आते हैं, तो मैं पार्ट सी लाइक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रही हूँ। ठीक है, एलिजाबेथ, मैं आई एम ऑलरेडी शेयरिंग द होल डिटेल ऑन टेलीग्राम चैनल एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। इफ़ यू गो टू दैट लाइव सेक्शन, नो चैनल पे आपको लाइव सेक्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कौन कौन सी क्लासेस फ्यूचर में आने वाली है और कौन सी क्लासेस लाइव चल रही है, कौन सी क्लासेस हो चुकी है। लाइव सेक्शन में जाना जरूरी है तभी पता चलेगा। और ये क्लासेस जो हैं पिछले 12 दिन से, 2 हफ्ते से चल रही हैं। मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट दिस इज अ ओवरऑल अपडेट। रॉ नंबर शो नहीं हो रहा, रॉ नंबर मतलब, गार्गी पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं देखती हूँ क्या क्या डील किया जा सकता है। ओके अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आपको
कि आई हैव डिसाइडेड कि जिस दिन मान लीजिए मैं रिवीजन क्लासेस ले रही हूँ किसी भी वजह से, अभी तो दो दो तीन दिन से मेरी तबीयत खराब थी, बट मुझे बाद में दिमाग में आया कि मैं थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर पाती, अगर इन केस किसी भी वजह से, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा काम चल रहा है कि मैं मतलब मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं फंस जा रही हूँ, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मैं लाइव ना आ पाऊँ उस दिन मैं रिवीजन रीलोडेड का एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दूँ, चलेगा? तो वो मतलब जिस दिन लाइव क्लास नहीं हो रही है उस दिन उसके बदले, उसको कंपनसेट करने के बदले 12 बजे या 1 बजे या फिर 12 से 3 बजे के करीब मैं एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दूँ। मैं अभी थोड़ा सा मतलब मेरे ट्रैवलिंग इधर उधर ज़्यादा हो रही है, राइट, तो उसकी वजह से मैं सोच रही थी कि जब टाइम अवेलेबल तब तो मैं लाइव आ जा रही हूँ, लेकिन जब टाइम अवेलेबल नहीं है तो उस दिन मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूँ, एटलीस्ट वो आपके पास तक पहुँच जाएगा। प्रमिला जी पहले एग्जाम तो दीजिए, पहले एग्जाम देंगे तभी तो रॉ स्कोर आएगा, बिना एग्जाम दिए कैसे रॉ स्कोर पता चलेगा जी, चलेगा? तो चलो दैट्स ग्रेट, वही करेंगे फिर। मैं मेरे दिमाग में ये बाद में आएगी, जिस दिन मैं लाइव नहीं जा पा रही हूँ उस दिन एटलीस्ट अगर पॉसिबल है तो मैं रात में रिकॉर्डिंग करके आपको मॉर्निंग टाइम तक मैं उसको प्रोवाइड कर दूँ, एटलीस्ट आप लोग का रिविजन होता रहेगा। ओके चलो तो मिलते हैं आपसे, यस, कल की क्लास में। टाइमिंग यही रहेगी, मैं थोड़ी देर में जैसे मैंने कहा मैं डिटेल वगैरह शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है, चलो ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग।